भारतीय जनता पार्टी की और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाह की पहली बार मैनपुरी पहुंची। पहुंचने पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने एक महिला सभा को संबोधित किया और सरकार की योजनाओं का बखूबी बखान किया व कांग्रेस पर भी निशाना साधा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कमल शक्ति संवाद हमारे पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम थे। लगातार प्रत्येक जनपद में कमल शक्ति संवाद हमारे मंडल तक हो चुके हैं। पुनः हम लोग एक पत्रक है जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाओं का जहां तक लाभ मिला है उन उपलब्धियों को लेके हम लोग महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही जिस तरीके से पहले हम लोग भाषण में सभी लोग बोला करते थे कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, लेकिन हकीकत देखा जाए तो महिलाओं का हर जगह अपमान, अत्याचार, दुराचार उनका साथ व्यवहार किया जाता था। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, चाहे योजनाओं के माध्यम से देखिए या उनकी ऐसी सम्मान के बारे में, यानी पूरी तरीके से महिलाओं को सुरक्षा, सुशासन और सम्मान देने का जो अगर जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।